और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है, बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुकरे को दोस्त नहीं रखता।